हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, दिनों पहले ठीक इसी समय मैं अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। किसी तरह जी जाऊं इसकी आस भी थी मुझ में। लेकिन मेरी उस आस को भी बुरी तरह कुचल दिया गया। 30 दिनों बाद भी मेरा दमन करने वाले आजाद घूम रहे हैं। 30 के 300 दिन और फिर शायद 3 साल भी हो जाएंगे। पर मेरी कहानी भी 1000 लड़कियों की अनसुलझी कहानी की तरह धूल भागती फाइलों में बंद हो जाएगी। बाबूजी खाना बन गया, खा लीजिए। चलिए लगाओ। हम हमारे बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे भाई साहब, हमारे बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो भाई साहब? औरतों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों का इतिहास हम सब ने पढ़ा होगा, लेकिन ये दृश्य 21वीं सदी का है। हम आज चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी, जिसे हम मां की संज्ञा देते हैं, उस पृथ्वी पर औरत की अस्मिता क्या है? ये सवाल हमसे और हमारे घर से ही शुरू होता है। अगर औरत के सम्मान की रक्षा उसके अपने घर में हो जाए तो समाज की चुनौतियां उसके लिए आसान हो जाती हैं। पर क्या इस औरत का परिवार इसके साथ था? और समाज किस हक से उसे यह अमानवीय दंड दे रहा था? यह घटना इस औरत से जुड़ी थी, लेकिन यह कहानी एक साक्षी नाम की लड़की की भी थी। साक्षी एक शहरी जीवन जी रही थी, लेकिन उसका जीवन भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। चल चल बेटा, जल्दी चल ले। अम्मा रुको, हमें दीदी से कुछ सवाल पूछना है। आपका पूछना है? कल रात में 12 बजे उसी से पढ़ रहा था ना, परीक्षा वाले दिन इतना देर नहीं करते। चल 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 चल, आजा आजा। दीदी हम भूगोल का एक सवाल भूल गए। कभी कभी फरवरी में 29 दिन क्यों होता है? कभी कभी नहीं, हर 4 साल में 29 दिन होता है फरवरी में, और उस साल में 366 दिन होते हैं। का है ना कि 365.33 दिन में पृथ्वी सूरज का परिक्रमा पूरा करता है। अच्छा, इसलिए हर 4 साल के एक साल में 365 की बजाय 366 दिन होते। हाँ अम्मा याद है। चलो दीदी, बाय बाय। नया जूता कहाँ से लाई? वो पापा हम जॉगिंग के लिए लिए हैं। क्या होता है ये जॉगिंग है? फालतू का पैसा खर्चा करते। अरे भैया, अपना कमाई का ही तो खरीदी है, अब शहर में शहर जैसा बनना पड़ेगा कि नहीं? खाई गांव में तो किसी को मुंह दिखाने के लायक छोड़ी नहीं, इस शहर में जाने क्या करेगी? जॉगिंग करेंगी। और दे भैया, बस बस हो गया। अरे साक्षी। हाँ बुआ। ये लो, समय से खा लेना। हाँ। और सुनो, तुम चिंता मत करो, हम भैया भाभी को संभाल लेंगे। वैसे आओगे कितने बजे तक? ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे बुआ, 8:30 तक आ जाएंगे। अरे तब तो हम बता देंगे तुम ओवर टाइम कर रही हो। नहीं बुआ, माँ है तो उनको बोल देना कि हम काम के बाद पूजा के बर्थडे पार्टी पे जाएंगे। कहाँ है ये बर्थडे पार्टी? वो पूजा हमें मायापुरी रोड पे मिलेगी,
और हम उसी के साथ चले जाएंगे पार्टी पे। पर तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, तुमको देर हो गया तो? ये लो बुआ, पूजा का नंबर है। अच्छा अभी हम चलते हैं ना, देर हो रहा है, समय से आ जाना। हाँ हाँ ये वाले बड़े वाले बॉक्सेस ऊपर लगाओ, इसको यहाँ जमाओ, ये माल को यहाँ जमाओ। ये कितना है, 32 पीस है ना, गिन के रखना इसमें, थोड़ा जल्दी करो। छोड़ो हमें, सब क्या बदतमीजी है। आज हमको फुल एंड फाइनल करना है, अब और नखरा नहीं सहेंगे तुम्हारा। लो बाकी पैसे भी लौटा देंगे। राजू जी, हम आपके और ग्राम सभा के निर्णय पे शंका नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे छोड़ देंगे मिस्त्री को तो कहाँ जाएगी बेचारे, गिनती करते हैं। राजू जी बंद कीजिए नौटंकी, अगर मौका नहीं ना दिए होते ना तो आपके बिना बच्चा के बेटी को अपने कपाट पे लाद के नहीं घूम रहे होते। साला 6 साल हो गया, एक बच्चा नहीं जनी, इसको मौका दिए ना तो अपने आशिक के साथ मिलकर हमको मारने की जिंदगी। आप समझ काहे नहीं रहे, हमारा कोई आशिक नहीं है। तो ढूंढ के फोटो खींच के लाएंगे तब मानोगी ना। पूजा अंधेरा हो गया और तुम हमें यहाँ खड़ा करके रखी हो। अब थोड़ा सबर करो, अब अंधेरे से इतना भी क्या डर रही हो, कोई भूत वो थोड़े ना आ रहे हैं यहाँ पे। और बता का ही नहीं रही हो हमें कहाँ जाना है पार्टी में। वो तो हमको भी नहीं पता, रवि ने बोला है कि सरप्राइज है, बस आता ही होगा वो हमें पिक करने के लिए। पूजा ये गिफ्ट तुम हमारी तरफ से रवि को दे देना, हम चलते, हमें देर हो रही है। अरे रुको ना, बस वो आता ही होगा अभी। क्या है यार, 9:30 बज गया है बिना। तुमको साक्षी को मना कर देना चाहिए था कि किसी पार्टी में जाने का कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे भैया आएंगे ना, कमरा खाट खड़ा कर देंगे। कहाँ हो गया भाई, काहे कोस रही हो हमको। फोन बंद आ रहा है, दूसरा कुछ नंबर नंबर दिए वो? नहीं भैया, साक्षी तो हमको यही नंबर दी थी, ये नंबर उसकी सहेली पूजा का है जिसके बर्थडे पार्टी पर गई है। तू दोनों बुआ भतीजी ना हमारे नाक में दम कर दी हो। अब जाइए जाके साक्षी को ढूंढिए, पूजा ने उसे मायापुरी बुलाया था। वो लोग ना जीना नहीं दोगे हमको। साक्षी बेटा, साक्षी, साक्षी, भाभी, आपको साक्षी की फ्रेंड पूजा का घर भी नहीं मालूम जहाँ पर साक्षी बर्थडे पार्टी में गई थी? नहीं मालूम साहब, और साक्षी ने जो पूजा का नंबर दिया था वो भी बंद आ रहा है। और साक्षी का नंबर भी नहीं लग रहा है, उसके पास फोन नहीं है साहब। कितना हैसियत होता तो हम पढ़ाई छुड़ा के उसको नौकरी काहे करवाते। साक्षी नौकरी कहाँ करती है? सिद्धार्थ नगर में साहब, रात को हम वहाँ भी गए थे उसको ढूंढने के लिए। हम कह रहे हैं ना आपको, सब वर्कर 5 बजे चले जाते हैं और साक्षी तो आज 1 घंटा पहले चली गई थी, कह रही थी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना। हम पूरा रात से साक्षी को इधर उधर ढूंढ रहे हैं साहब, आप लोग कुछ कीजिए, कुछ कीजिए।
अरे माफ करिएगा, अरे भैया फोटो क्या खींचे? हेलो भैया। नहीं सर, कल हमारा बर्थडे नहीं था। तो साक्षी तो कल अपने घर से कह के यही निकली थी कि वो तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जा रही है। और सर हम तो कल साक्षी से मिले ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर, माना तुम कल साक्षी से नहीं मिली, तो कल से तुम्हारा फोन क्यों बंद है? हमारा फोन खराब है तो हमने बनने के लिए दिया हुआ है सर। लेकिन कुछ एक मिनट, सर मायो जंगल के पास साक्षी की लाश मिली है। सर इस औरत ने लाश को सबसे पहले देखा। सर हम लकड़ी लेकर आ रहे थे और हमने रास्ते में लाश को देखा सर। रवि मर्डर बहुत ही ब्रूटल है सर, और शायद लड़की के साथ रेप भी किया गया। लड़की के फादर ने बताया कि लड़की कल मायापुरी जाने वाली थी अपनी फ्रेंड पूजा की बर्थडे पार्टी। मायापुरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लेकर मायापुरी तक सब जगह सर्च कर। लेकिन सर पूजा तो बोल रही थी कि वो साक्षी से मिली नहीं, और कल पूजा का बर्थडे भी नहीं था। पूजा के बारे में सब कुछ पता करो, उस साक्षी की यूनिट से भी हमें ये पता करना होगा कि साक्षी अपनी यूनिट से कब और कहाँ के लिए निकली। साहब यहाँ के सारे कर्मचारी लोग शाम को 6 बजे चले जाते हैं, 24 घंटे हम ही रहते हैं यहाँ। उस लड़की का मर्डर कल रात को यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पर, वो जो खंडर है वहाँ पर हुआ था। रात को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी क्या? नहीं साहब हमने तो कुछ नहीं सुना। अच्छा कोई CCTV है क्या यहाँ पर? नहीं साहब यहाँ तो कोई CCTV नहीं है। नया जूता कहाँ से लाया? वो पापा हम जॉगिंग के लिए लिए। सर हमने तो कल साक्षी के फादर को बताया था कि वो 1 घंटा पहले चली गई थी। साक्षी ने 1 घंटा पहले छुट्टी इसलिए ली थी क्योंकि उसको किसी पार्टी में जाना था। हाँ सर वो कुछ ऐसा कह रही थी कि उसके फ्रेंड का बर्थडे है। फ्रेंड कोई लड़की थी या लड़का? सर इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सर ये देखिए, ये रजिस्टर में साक्षी का एग्जिट टाइम 5:15 लिखा हुआ है और बाकी कर्मचारी का 5, जबकि साक्षी के साथ यहाँ एक और नाम है नीरज, इसका भी एग्जिट टाइम 4:15 का है। ये नीरज कौन है? सर मैनेजर है हमारा, वो आज ही 1 हफ्ते की छुट्टी पे गया है, उसके घर में गाँव में कोई शादी वादी थी। कल आपका मैनेजर नीरज और साक्षी साथ में यूनिट से निकले एग्जैक्ट 4:15 पर। ये महज इत्तेफाक है या फिर हमें घुमाने का? सर हम फोन करके पूछ लेते हैं ना। सर नीरज का फोन तो बंद आ रहा है। नीरज का साक्षी के साथ कोई इशू था? सर यूनिट के काम को लेके तो कुछ नहीं था, बाकी हम कुछ कह नहीं सकते। नीरज के गांव का एड्रेस दो हमें। एड्रेस तो नहीं है उसका, लेकिन हाँ ये मालूम है कि वो वैशाली में कहीं रहता है। कमाल है, नीरज एम्प्लॉई है आपका और आपके पास अपने एम्प्लॉई का एड्रेस नहीं है। यहाँ पटना का एड्रेस है ना सर, जहाँ किराए पर रहता है। इसने जो नीरज का यहाँ का पटना का एड्रेस दिया है वहाँ पे जाओ, हो सकता है उसके मकान मालिक से नीरज का वैशाली का एड्रेस मिल जाए। और हाँ वैशाली पुलिस को नीरज की डिटेल्स भेजो, पॉसिबल है ये नीरज ही साक्षी को किसी पार्टी में लेकर गया है। और ये भी चेक करो कि नीरज और पूजा का आपस में कोई कनेक्शन निकलता है क्या। पूजा
ये किसको फोन कर रही है तू? वो पापा, मैं। और तेरा फोन तो खराब हो गया था ना? हाँ। फिर ये कहाँ से है? मैं अभी अभी शॉप से लेकर आई, ठीक हो गया ये। हाँ ठीक हो गया। हमको तो ये उन लोगों का काम लगता है जिन लोगों ने हमारा जड़ उखाड़ दिया। वो लोग कभी हमको कुछ नहीं देख सकता, कभी आप आदमी देख सकते। पर कहाँ का कड़ी को कहाँ जोड़ रही है? ये सब कुछ नहीं हुआ है। तू पूछो। नहीं सर, हम इस लड़का को कभी नहीं देखे हैं। हो सकता है साक्षी का इस नीरज के साथ अफेयर। क्या बोल रहे हैं आप? हमारा बेटी ऐसे नहीं था। लेकिन कल पूजा का बर्थडे भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि आपकी बेटी साक्षी आपसे झूठ बोल के गई थी कि वो पूजा की बर्थडे पार्टी में जा रही है। नहीं बुआ, माए तो उनको बोल देना कि हम काम के बाद पूजा की बर्थडे पार्टी पे जाएंगे। आप लोगों को किसी पर शक है जो कोई ऐसा हो जिसकी बुरी नजर हो साक्षी पर? सब हमको कभी कभी एक कुल्फी वाले पर शक हुआ करता था। कुल्फी वाला? हाँ साहब, एक रोज हम देखे कि वो साक्षी को फ्री में कुल्फी दे रहा है। ये लो हमारे तरफ से कुल्फी फ्री। फ्री? हाँ। अरे उस दिन हमारा ठेला पलट गया था तो तुमने कितना मदद किया था, और हम तुमसे पैसे लेंगे क्या? नहीं थैंक्स भैया। भैया नहीं, नारायण। बहुत जवानी चढ़िया, कैसे बात कर रही हमारी भतीजी से, देख खींच के। ये कुल्फी वाला रहता कहाँ है, तू जानती है उसके बारे में? नहीं साहब, ये तो नहीं जानते, पर हाँ साहब, उसके गाड़ी पर नारायण कुल्फी वाला लिखा हुआ है। यही हमारे आसपास के इलाके में घूमता रहता है साहब। फुर्ती से पानी ले आई, जहर मिलाया इसमें। हम कहे जहर देंगे आपको? अरे कुल्फी वाला के साथ मौज मस्ती करने के लिए। आप ये क्या कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर झूठ, फिर झूठ। नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं। झूठ बोले पता नहीं चला देंगे। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। सच करी ना, सच करी ना, तो जाके मार दे उसे। हम मान लेंगे तू सच कह रही है। पुलिस ने जल्द ही उस कुल्फी वाले के घर का पता लगा लिया, लेकिन नीरज की तरह वो कुल्फी वाला नारायण भी शहर से गायब था, और पुलिस नीरज और कुल्फी वाले की तलाश में जुट गई। सर, साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसी रात को 11 बजे के आसपास हुई थी जिस रात से वो मिसिंग थी, और उसके ब्लड में एल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले। सर, साक्षी को ब्रूटली टॉर्चर किया गया था, एक्सटर्नल इंजरीज के अलावा उसके लंग्स तक डैमेज थे। साक्षी का सिर्फ रेप नहीं किया गया, गैंग रेप किया गया। साक्षी के प्राइवेट पार्ट्स में कांच के टुकड़े भी मिले सर, और रेप करने के बाद पत्थर के वार से उसकी हत्या कर दी। साक्षी की बॉडी पर 3 लोगों के डीएनए मिले सर। फिलहाल हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में है 2 लोग, कुल्फी वाला नारायण और साक्षी के यूनिट का मैनेजर नीरज। अगर ये दोनों इसमें इन्वॉल्व है तो बाकी के लोग भी इन्हीं से कनेक्टेड होंगे। लेकिन सर, नारायण का और नीरज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। जब नीरज के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला कि इसका फोन हत्या के अगले दिन मुजफ्फरपुर में बंद हुआ था। हो सकता है ये नीरज मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हो, और इसने यहाँ पर झूठ बोला हो कि वैशाली का रहने वाला है। एक काम करो, मुजफ्फरपुर पुलिस को इसकी अपडेट दे दो। सर, मैंने साक्षी की फ्रेंड पूजा के बारे में पता किया। पूजा का कॉलेज में एक रवि नाम के लड़के से अफेयर है, वो उसके कॉलेज में ही पढ़ता है, और जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ उस दिन इस रवि का ही बर्थडे था। ये रवि है सर। उस दिन साक्षी अपनी फैमिली से झूठ बोल के गई थी कि वो अपनी फ्रेंड पूजा की बर्थडे पार्टी में जा रही है, जबकि वो पूजा के साथ इस रवि की बर्थडे पार्टी में गई थी। और सर, इस रवि के बारे में भी पता किया है सर, कॉलेज में ये एक लड़के के मर्डर केस में सस्पेक्ट है। दर्शनबाग पुलिस उसका केस देख रही है। उठा के लाओ उसको। साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम तो उस दिन पहली बार मिले थे साक्षी से। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। रवि है साक्षी, मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड, और साक्षी है रवि, मेरा कॉलेज फ्रेंड। हाय साक्षी। हैप्पी बर्थडे रवि। थैंक यू। सर, फिर हमने साक्षी को भी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया, फिर हम साक्षी और पूजा को मायापुरी से पिकअप करके रेस्टोरेंट लेके जाने वाले थे,
पर सर जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ सिर्फ पूजा थी सर। पूजा बहुत घबराई हुई थी उस दिन। अरे पूजा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सर पूजा ने हमें बताया था कि साक्षी को किसी ने वहाँ से किडनैप कर लिया। ओ, ओ। या फिर तू ही साक्षी को किडनैप करके ले गया था? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ सर ये सच है, लेकिन साक्षी का किडनैप किसी और ने किया था। अरे रुको ना, बस वो आता ही होगा अभी। क्या है ये यार? नहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने दोस्त रवि को बचाने के लिए कहानियां बना रही हो? नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं। तो पहले झूठ क्यों बोला था? वो सर हमारे पापा को नहीं पता था कि हमारा रवि से अफेयर है, इसीलिए हमको आपसे झूठ बोलना पड़ा। अच्छा वो गाड़ी कौन सी थी जिसमें किडनैप किया गया साक्षी को, नंबर याद है उसका? नंबर तो नहीं याद, लेकिन वो सिल्वर कलर की बड़ी सी गाड़ी थी। पुलिस को उस एरिया के आसपास ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली जिसमें वो कार कैप्चर हुई हो, और पुलिस पूजा और रवि से जुड़े हर उस लड़के को उठाकर उसका डीएनए ले रही थी जिन पर उन्हें शक हो रहा था। वहीं कुल्फी वाले नारायण और नीरज की तलाश भी जारी थी, और इसी दौरान साक्षी की बुआ और माँ ने पुलिस को एक नया बयान दिया। हम काफी समय से सोच रहे थे कि आपको ये बात बता दें। देखिए चेतना जी, आप जो भी कहना चाहती हैं आप खुल के कहिए बिना झिझक। साहब हम पीपला गांव से हैं, हमारे पति यहाँ पटना में काफी समय से मजदूरी करते हैं, और वहाँ गांव में जमींदार भीषण लाल की खेती में हमारे पुरखे बंधुआ मजदूरी करती आई है। और साहब भीषण लाल का एक बेटा भी है, यश चौधरी। यश और साक्षी एक ही उम्र के, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर 2 साल पहले ये वाला बटन दबाओ बस, ठीक है? चलो। अरे हंस भी लिया करो। क्या रही लड़की, अपना औकात भूल गई है? हम तो पापा जाने दीजिए ना। चुप कर पापा, चल यहाँ से। भीषण लाल गांव के सरपंच है, उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये क्या कर रहे था? कहा जाएंगे? दो दिन का मोहलत दे रहे हैं तुमको, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकलो यहाँ से। सरकार आप हमको ऐसा नहीं निकाल सकते, हमारे पुरखों ने आपकी खेती में पसीना बहाया है। हमसे जबान लड़ाएगा? पुरखा पसीना बहाया था ना तुम्हारा, हम खून बहा देंगे सब। नहीं नहीं, ये आप सहने कह रहे हो, जितना गलती हमारी लड़की का है उतना ही आपके लड़के का है। वो हम क्या कहा, तुम हमारा बेटा का गलती निकालेगा? ए मार साला को। अरे 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 तो बचा ले, मर जाए। हाय रुक रहे, साहब उन लोगों ने हमारे पूरे खानदान को गांव से बाहर निकाल दिया। आप लोगों ने वहां के पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी? नहीं साहब, इतना हिम्मत नहीं था हम लोगों में, हम तो वहां से अपना जान बचाकर भागे, अगर रुकते तो वह हमें जान से मार देते। मिश्री अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है दीदी। इतने दिन उनके साथ रहकर तुमने उनकी सेवा भी तो की। चलो अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, तुम ये काम खत्म करके खाना बना लो। ठीक है दीदी। साड़ी तो लाना ही भूल गई।
का चुआ हुआ हम पानी नहीं पीते। और आप सोच कैसे लिए दरोगा जी कि हमारा बेटा एक मजदूर की बेटी को मुंह लगाएगा? तो ठीक है, ये बात आप अपने बेटे को उसी के मुंह से बोलने दीजिए। हाँ, हमारा बेटा दिल्ली में इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है, आ जाएगा तो मिलवा देंगे आपसे। दो दिन का वक्त दे रहा हूं, बुलवा लीजिएगा। बिशन लाल अपने बेटे को क्वेश्चनिंग से बचाने के लिए गायब भी कर सकता है। पता करो उसका बेटा वाकई में दिल्ली में है या फिर कहीं और। जी सर। हेलो, हम सच कह रहे थे, हम गायब नहीं हुए थे और हमने ऑफिस में गांव का गलत पता भी नहीं बताया था। वैशाली हमारा ननिहाल है और मुजफ्फरपुर हमारा पैतृक गांव, और हमारा फोन खो गया था, हमने जानबूझ के बंद नहीं किया था। तो उस दिन यूनिट से साक्षी के साथ निकला था 4:15 पर, तो ही साक्षी को माया जंगल लेकर गया। अब ये बोल, और कौन कौन थे तेरे साथ? हमने साक्षी के साथ कुछ नहीं किया, हम तो प्यार करते थे साक्षी से। जिस दिन से वो काम पे लगी थी उसी दिन से पसंद करने लगे थे उसे। साक्षी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे? हमें अपने बर्थडे का नहीं पता और तुम हमें विश कर रहे हो। अरे ऑफिस में तुम्हारा आधार कार्ड देखा था, उस पे तो आज ही का बर्थ डेट लिखा है। वो तो बाबा ने एडमिशन के वक्त ऐसे ही लिखवा दिया था, वैसे तो हम रामनवमी पे जन्मे थे। तो रामनवमी पे फिर से विश कर देंगे, ये लो। लेकिन हम ये गिफ्ट नहीं ले सकते, इसके बिना भी तो हम दोस्त रह सकते हैं ना। लेकिन दोस्त से बात करने के लिए फोन का जरूरत होता है, ये लो रखो। लेकिन फिर वो हमें अवॉइड करने लगी। हम तुम्हें सिर्फ दोस्त मानते थे और तुम उससे आगे का सोच बैठे। तो लगता है आगे के लिए किसी और को खोज लियो। तो काहे लिए हमसे इतना महंगा गिफ्ट? तुम्हारे फोन का कीमत जल्द से जल्द चुका देंगे, हमारे बाकी पैसे भी लौटा देंगे। तो बोल रहा तूने साक्षी को फोन दिया था, तो साक्षी की लाश के पास तो हमें कोई मोबाइल फोन नहीं मिला। वो फोन इस्तेमाल करती थी, उसका नंबर 9324867522 था। इक्वल्स टू 60 हो गया ये सॉल्व। अरे वाह दीदी, आप तो सच में इंटेलिजेंट हो। दीदी एक काम करो, आप अपने यूनिट में हमको नौकरी लगवा दो और आप अपने पढ़ाई पूरे करो और हम बाबा का बोझ हल्का कर देंगे। अरे नहीं पिंटू, तुम्हें तो खूब पढ़ना होगा, जो हम नहीं कर पाए ना वो तुम्हें करके दिखाना होगा। बाबा आप पैसे के लिए दीदी का स्कूल छुड़वा दिए, हम आपको 150,000 रुपये कमा के देंगे, आप दीदी को वापस ले आइए। मोबाइल फोन नहीं, आपको गलतफहमी हुआ है सर। वो लड़का नीरज, उसने हमें बताया कि उसने वो फोन साक्षी को गिफ्ट किया था। अगर साक्षी फोन इस्तेमाल कर रही थी तो आपको तो पता ही होगा। नहीं सर, हम कभी साक्षी के हाथ में कोई मोबाइल देखे ही नहीं है। सर हमने साक्षी के घर की तलाशी भी ली पर वहां कोई फोन नहीं मिला। नीरज ने जो साक्षी का नंबर दिया है ट्रेस करो, सीढ़िया निकालो उसका, उससे कंफर्म हो जाएगा कि साक्षी के पास कोई फोन था या नहीं। सर जो नंबर नीरज ने हमें दिया था वो साक्षी के आधार कार्ड से खरीदा गया था। मतलब साक्षी के पास फोन था? जी सर, कॉल रिकॉर्ड्स में हमें सिर्फ दो नंबर मिले हैं, यश का और नीरज का, जिनके साथ साक्षी रेगुलर टच में थी। यश बिशन लाल का बेटा, साक्षी यश के अभी भी टच में थी? सर मैंने पता किया, यश दिल्ली में भी नहीं है, अपने गाँव आया हुआ है। यश से बात करनी पड़ेगी। लोगों को गलत फहमी हुआ है, हम काहे करेंगे साक्षी के साथ ऐसा कुछ। सर हम तो उससे बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन सर हमारे पापा की वजह से उनको गांव छोड़कर जाना पड़ा था,
और सर अभी 4 महीने पहले हमें साक्षी का सामने से ही फोन आया था। हम साक्षी बोल रहे हैं। साक्षी? उस दिन के बाद हम अक्सर साक्षी से फोन पर बात करने लगे थे और हम तो उसे पटना भी मिलने गए थे कई बार। सर हमको लगा कि हमको हमारा बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया, लेकिन सर वो अचानक हमें इग्नोर करने लगी। एक काम करते हैं, हम तुम्हें मिलने के लिए कल ही पटना आ जाते हैं। नहीं, अब तुम यहाँ मत आया करो। हेलो सर, रात भर अक्सर उसका फोन बिजी आया करता था। हमें तो पक्का लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़का आ गया था। इस बात की जलन हुई तुझे कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आ गया है? गुस्सा आया तुझे? तो गुस्सा निकालने के लिए तूने उसका रेप किया और उसके बाद मार दिया। सर हम सच कह रहे, हमने साक्षी के साथ कुछ भी नहीं किया। सर अब तो पॉलिटिकल प्रेशर भी आ गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपडेट बताओ। सर नीरज, रवि और रवि के दोस्तों के अलावा यश का भी डीएनए लिया, लेकिन कोई भी गुनाह कबूल नहीं कर रहा है। प्रदीप, कैसे भी करके उस कुल्फी वाले नारायण को ढूंढना, और एक बार क्राइम सीन से अभी तक साक्षी का फोन नहीं मिला है। पता करो साक्षी का सिम किस IMEI नंबर के फोन में इंसर्ट हुआ था, ट्रेस करो उसे और क्राइम सीन के आसपास दोबारा से छानबीन करना है। सर, सर यश के फादर बिशन लाल यश की जमानत करवाने आए। छोड़ तो रहा हूं मैं यश, लेकिन नजर रहेगी हमारी उस पर। दरोगा जी, आप अब भी हम पर और हमारा बेटा पे बिना मतलब में शक कर रहे हैं, और वो बच्ची का गुनहगार अभी तक बाहर खुला में घूम रहा है। आप हमारी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम बता सकते हैं आपको कि कौन लोग है इस कांड के पीछे और उसका मकसद क्या है। कॉल रिकॉर्ड्स देखे हमने तेरे, तू अभी भी लगातार बिशनलाल के साथ बात कर रहा था। बिशनलाल ने सब कुछ बता दिया हमसे। अब तू ये बता, तेरे और बिशनलाल के बीच चल क्या रहा था? नहीं, चल कुछ नहीं रहा था साहब। हाँ, 2 महीने पहले फोन जरूर आया था बिशनलाल का। कह रहे रुपेश, तुम्हारी बेटी हमारा बेटा यश का पीछा नहीं ना छोड़ेगी। सरकार, आप तुम कुछ करते हो कि फिर से हम कुछ करें? बोले सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? हाँ बाबा, यश हमसे कभी कभी मिलने आता है। आज के बाद तू ना, तू यश से मिली ना, तो समझ जा हम क्या करेंगे तेरे साथ। बिशनलाल के कहने पे तू अपनी बेटी का दिल नहीं बदल पाया, उसको रोक नहीं पाया यश से मिलने से, तो तूने अपनी बेटी को क्या बोल रहे हैं साहब आप? वो हमारा बेटी ही था, हम सपना में भी उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकते। साक्षी का फोन ऑन हुआ है, लेकिन उसमें दूसरा नंबर डाला गया और ये नंबर इमरती के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वही इमरती है जिसने सबसे पहले लाश को जंगल में देखा था। साहब, हमारा उस लड़की की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये साक्षी का मोबाइल कैसे आया तुम्हारे पास? तो साहब, ये फोन तो हमको उस दिन जंगल में पड़ा मिला था। कुछ देर बाद जब हम आगे गए तो हमें उस लड़की का लाश दिखा था। हमको लगा था कि वो फोन उस लड़की का ही होगा, लेकिन हम लालच में आ गए और कुछ खर्चा करके फोन सही करवा लिया। साक्षी का फोन अच्छी तरह से चेक किया सर, इसकी कॉल और मैसेज हिस्ट्री में साक्षी से जुड़ा तो कोई भी कंटेंट नहीं मिला। हो सकता है रिपेयर के वक्त फोन को फॉर्मेट किया गया। इसका डेटा रिट्रीव करो। ओके सर। सर, सर दो औरतें आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। डरो मत मिश्री, वो सब सर को बता दो जो तुमने हमें बताया। सब पटना के पास अटेरी गाँव है, हम वहीं रहते हैं। हमारे गांव में एक प्रथा है और उस प्रथा की वजह से हमारी जिंदगी। कैसी प्रथा? क्या हो तुम्हारी जिंदगी में? साहब, हमको बच्चलन बोल के पूरे गांव में बेइज्जत किया गया। साहब, हमारी जैसी और भी औरतें हैं वहां पर जिनके साथ ऐसा होता है, उसका वजह से हमको हमारा पति भी अपनाना नहीं चाहता था, पर हमारे बाबूजी
हमें हमारे पति के पास भेजना चाहते थे। ऐसे छोड़ देंगे मिश्री को तो कहाँ जाएगी बेचारा। एक काम कीजिए, 50,000 रुपए हाथ पर रखिए, हम ले जाते हैं आपकी बेटी को। उनको 50,000 देने के लिए बाबा को साहूकार से कर्जा लेना पड़ा। बाबा कर्जे की किस्त चुका नहीं पा रहे थे तो साहूकार उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। उसका किस्त चुकाने के लिए ही हमको किसी के यहाँ पे चोरी करना पड़ रहा था। पैसा कम होता था तो साहूकार हमारे साथ। ये क्या है, ये तो बहुत कम है। हम अगला बार ज्यादा करके दे देंगे, इस बार हमको जाने दो। अगला बार तुम ज्यादा दोगे तो इस बार कहाँ दोगी। सर मिश्री ने चोरी अपनी मजबूरी के चलते की, लेकिन सर असली गुनहगार वो लोग हैं जो इतने सालों तक इसका शोषण कर रहे थे। सर हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जरूर धारा जी, हम आपकी इंसानियत के जज्बे की कदर करते हैं। आपने बहुत नेक काम किया मिश्री को यहाँ लाकर। मिश्री और वो लोग कौन है जिन्होंने तुम्हें गांव में बेइज्जत किया। मिश्री के बयान के आधार पर पुलिस ने मिश्री के पति समेत कई लोगों को अरेस्ट किया जो मिश्री के दोषी थे, लेकिन मिश्री की कहानी अब भी अधूरी थी। और तभी साक्षी की कहानी का एक बड़ा सच सामने आया। सर साक्षी के फोन से पुराना डेटा रिट्रीव हुआ है और उसमें कुछ फोटोज मिले। सर ये व्हाइट पाउडर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रग्स हो। अगर ये ड्रग्स है तो ये फोटोग्राफ साक्षी के मोबाइल में क्या कर रहा है। ये तो टॉयज है। साक्षी जहां पर काम करती थी वो भी तो एक टॉयज पैकेजिंग यूनिट है। हम ड्रग्स का धंधा करते हैं। और तेरे इस गोरख धंधे के बारे में साक्षी को पता चल गया था इसलिए तूने। नहीं नहीं सर, हमें तो मालूम भी नहीं था कि साक्षी को ये सब पता है सर। और फोटो वोटो कब निकाला उसने ये हमें नहीं पता था सर। हमें जब ये पता लगा कि साक्षी का रेप और मर्डर हुआ है तो हमें लगा कि इश्कबाजी के चक्कर में सारा कांड नीरज ने किया। तू ही कांड करके गाँव भागा है ना। नहीं सर, हम क्यों करेंगे रेप उसका। अरे तू ही पीछे घूमता था ना वो साक्षी के। पुलिस सबसे पहले तुझे उठाएगी, गायब हो जा कहीं। सर हमें लगा कि आप नीरज को अरेस्ट कर लेंगे तो हमारे ड्रग्स के धंधे की सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए हम नीरज को बचाने की कोशिश कर रहे थे सर, लेकिन ये सारा कांड नीरज ने किया है सर। झूठ बोल रहा है शैलेंद्र, ये उसी की चाल है। उसी ने मुझे कहा था अपना फोन बंद करके कहीं गायब हो जा ताकि मैं फंस जाऊँ और आपका शक सीधा मुझ पर आए। हम सच कह रहे हमने कुछ नहीं किया माँ का सर। साहब हमने आपको उस दिन पूरा बात नहीं बताया था। क्या बात है बोलो। हमने उस दिन उस लड़की के साथ वहाँ पर एक कुल्फी वाले का फोटो देखा था। हमारा पति हम पे शक करता था कि हमारा उस कुल्फी वाले के साथ चक्कर चल रहा है और साहब वो उसे मारना चाहता था। यही है वो। और साहब हमको पता चला कि इस लड़की का लाश आपको मायो जंगल में मिला था। हाँ। सर मायो जंगल में एक बार हमारे साथ भी बहुत गलत काम हुआ था। मायो जंगल में तुम्हारे साथ रेप हुआ था। कौन था वो जिसने रेप किया था तुम्हारा। चल विवाह के उस चौकीदार ने तुम्हारा रेप किया था, दूसरा कौन था उसके साथ। हम सिर्फ मिश्री जैसी औरतों के साथ ही ये सब करते थे साहब, जो हमारे खिलाफ मुंह न खोले। लड़की साक्षी मुंह खोल सकती थी इसलिए मार दिया उसको। तीन तीन लोगों ने मिलकर रेप किया उसका। अब ये बताओ तीसरा कौन था, वो कुल्फी वाला नारायण। किसी नारायण को हम लोग नहीं जानते और ना ही हमने उस लड़की साथ कुछ किया है। बोल उस कुल्फी वाले को तूने गायब किया ना, साक्षी के मर्डर में तू भी इन्वॉल्व है ना। साहब हम मानते हैं कि हमको कुल्फी वाले पे शक था कि उसका हमारी बीबी के साथ कुछ, लेकिन हमने उसको गायब नहीं किया और ना ही उस लड़की के साथ कुछ किया। हम सच कह रहे हैं साहब। तू ऐसा नहीं मानेगा। मिश्री और साक्षी दोनों रेप विक्टिम्स थी, लेकिन मिश्री की आप बीती
साक्षी से अलग थी। रेप के बाद साक्षी की हत्या कर दी गई थी, जबकि मिश्री को जिंदा छोड़ दिया गया था, और आखिरकार मिश्री के गुनहगार पकड़ लिए गए। लेकिन साक्षी के गुनहगार कौन थे, ये अब भी राज बना हुआ था। जहां पर तुम लोगों ने मिश्री का रेप किया, वहीं पर साक्षी का मर्डर और गैंग रेप हुआ है। अगर ये तुम लोगों ने नहीं किया है, तो फिर साक्षी का गुनहगार तुम लोगों के बारे में जानता है। उसने उसी जगह का चुनाव किया जहां पर सालों से तुम ये क्राइम करते आ रहे हो, ताकि वो अपना किया हुआ तुम्हारे ऊपर थोप सके, वो बच जाए और तुम लोग फंस जाओ। इसी बात से हम भी हैरान थे कि किसी ने उस लड़की को मारने के लिए वही अड्डा क्यों चुना। तुम दोनों के अलावा और कौन तुम्हारा दोस्त है ऐसा जो उस जगह के बारे में जानता है? हाँ साहब, हमारा एक दोस्त है वरुण, हम लोग एक रोज उसके साथ दारू पिए थे वहाँ। वरुण काम में सब दुर्गेश कॉन्ट्रैक्टर का ड्राइवर है। देखो गाड़ी के पीछे ब्लैक एंड व्हाइट स्टिकर है। पानी का स्टिकर है सर, चलो गाड़ी में। हमको पहले से पता चल गया था कि साक्षी वहां पर आने वाली थी। शाम हम वरुण और अपना एक दोस्त के साथ वहां पहुंचे और हमने साक्षी को उठा लिया। साहब उस दिन वरुण और अपने दोस्त को बुला के हम खाली यही बोले थे कि लड़की के साथ एंजॉय करेंगे, मारने का बात नहीं पता साहब, कोई प्लान ही नहीं था मर्डर का। लेकिन साहब इतना सब कुछ होने के बाद उसको जिंदा भी तू नहीं चाहिए। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी साक्षी के साथ? रुपेश हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, कुछ टाइम बाद उसने अपनी बहन बीना को भी हमारे यहाँ काम पे लगा दिया था। हम उसको पसंद करने लगे। क्या कुछ देख लिया आप? हम दुर्गेश से प्यार करते हैं, लेकिन कभी साक्षी तो कभी साक्षी का बाप हमारा अपना भाई, उन दोनों की वजह से हम हमेशा बर्बाद हूँ। पहले वो साक्षी के चक्कर में अपना पति खोए और जब यहाँ हमको दुर्गेश से सहारा मिलने लगा तो फिर से हमारा भाई बीच में आ गया। उस दिन जब साक्षी हमको बताई कि वो अपने सहेली के साथ किसी बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, वो पूजा हमें मायापुरी रोड पे मिलेगी और हम उसी के साथ चले जाएंगे पार्टी पे। हमको लगा यही सही मौका है, हम दुर्गेश को बता दिए कि वो मायापुरी जाने वाली है। अपने भाई से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था हमको। ले लिया बदला, हो गए तुम और दुर्गेश एक। भेदभाव की भावना ने साक्षी से उसका बचपन, उसके दोस्त, यहां तक के उसका गांव भी उससे छीन लिया। शहर की चुनौतियों और गरीबी ने उस बच्ची को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया और भाई की शिक्षा जारी रखने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ी। साक्षी को जो माहौल मिला वहां उसे कई मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करके अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहती थी। लेकिन उसको ये दर्दनाक अंत क्यों मिला? आखिर उस बच्ची की भूल क्या थी? सिर्फ यही कि उसकी मासूमियत उसे ये समझ नहीं दे पाई कि उसे किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। आज हमारे समाज को धारा जैसे लोगों की जरूरत है, जो मिश्री और साक्षी जैसी महिलाओं को समाज की कुरीतियों से लड़ने का हौसला देती हैं। और उसी हौसले की बदौलत मिश्री की लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन अफसोस कि साक्षी हमारे बीच नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। Jai Hind. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.